अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामिन हज़रत, इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो आज की टॉपिक है रमज़ान का महीना, तो कुछ बातों का ख्याल रखें। कौन सी बात, वीडियो को मुकम्मल समाप्त फरमाएं। उससे पहले मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन नज़र चिज़्बी, मेरे इस्लामिक चैनल इस्लामिक कॉन्टेंट पर इस तरह की कुरान हदीस की बातें मिलती रहती हैं। तो रमज़ान का महीना, उससे पहले इन बातों का आप ख्याल रखें, खुदारा इससे बचे, क्योंकि रमज़ान का महीना बाबरकत, रहमत, मगफिरत, निजात का महीना है। इसमें नेकियां डबल कर दी जाती हैं और गुनाह अगर आप करते भी हैं तो उसका भी ज़्यादा आपको पकड़ मिलेगा इस रमज़ान के महीने में। तो रमज़ान का महीना अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। रमज़ान का महीना अगर आप रोज़े रखते हैं तो झूठ, चुगली, गीबत, बदगिलानी, गाली वगैरह किसी को ना देना, और किसी को बिला सुबह तकलीफ भी ना देना, और सारी बातें हैं रोज़े की हालत में दाढ़ी मुड़वाना, यह तो सख्त हराम है और रमज़ान के महीने में और ज़्यादा इसे मना फरमाया है। और रोज़े की हालत में आप गाना, म्यूज़िक, ये सब भी आप ना सुने, खुदा इससे परहेज करें। तो ये हैं कुछ बातें रमज़ान के हवाले से, क्योंकि रमज़ान बाबरकत महीना है। इसे अहतवार आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजारें, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पे अब अमल करते हुए रमज़ान का महीना पूरे मुकम्मल 30 दिन रोज़े रखें, इबादत करें, सदका खैरात करें, तरावी नमाज अदा करें, और हो सके तो इफ्तार और सहरी का खाने का सामान लोगों को तकसीम करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी टॉपिक पे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकअल्लाहु खैर। अपना ख्याल रखिएगा।